शालम चौक का ये बिल्कुल सेंटर है, बीट्स की मार्केट, मंडियां, बाजार, लोकल और चाइनीज टॉयज की भरमार है यहाँ पे। लवली पटाखों वाली जो है वो गन तलस का बहुत सा सामान यहाँ पे, तोड़ों में पड़ी गेंदे यहाँ पे नजर आ रही हैं आपको। होलसेल ज्वेलरी का बाजार यहाँ पे नजर आएगा आपको। पैकेजिंग कॉस्मेटिक्स की पैकेजिंग की बहुत सी वरायटी यहाँ पे मिलेगी। चेयर्स, वॉकर्स, एडल्ट साइकिल्स, बेबीज और बहुत सी वरायटीज की मार्केट। जूतियों की मंडी नजर आएगी पूरी वरायटी के साथ यहाँ पे आपको। होलसेलर सारे के सारे ये बैठे हुए हैं। बचगाना गारमेंट्स का ये गढ़ और होलसेलर की लाइन जो है वो बेशुमार दुकानें यहाँ पे मौजूद। बैग्स एंड लगेज के होलसेलर भरमार है यहाँ पे, और हर किस्म की वैरायटी यहाँ पे मिलेगी आपको। इटालियन इंपोर्टेड और दुनिया की हर किस्म की क्रॉकरी के इंपोर्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। कपड़ों की होलसेल मार्केट आजम मार्केट गढ़ समझा जाता है ये बिल्कुल। बॉडी स्प्रे और परफ्यूमिंग के जिन ट्रेडर और इम्पोर्टर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा बाजार, जूसर, ब्लेंडर्स और बहुत सी दूसरी। अच्छा जी, ये सर्कुलर रोड है राइट साइड पे जो सीधा अकबर की तरफ जाता है, दिल्ली गेट की तरफ। ये सेंटर है शालम चौक का, सामने शालम मार्केट है उसकी शुरुआत होती है। और ये जो लेफ्ट साइड पे ये जाता है सीधा रास्ता उल्दू बाज़ार भाटी चौक की तरफ, ये उस साइड की तरफ जाता है। तो शालम चौक जो है वो इंटर होके हम शुरू करते हैं ये सीधे हाथ से, सीधे हाथ वाली लाइन से। सबसे पहले जो है वो जो सीधे हाथ पर आती है वो आती है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन जो आती है मार्केट। इसमें जो है वो घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स जो इस्तेमाल होती है कंस्ट्रक्शन में, LED लाइट्स, फानूस, वायर, स्विच बोर्ड्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस मार्केट में आपको नजर आएंगी। ये होलसेल की मार्केट है, सारे के सारे यहाँ पे ऑथराइज डीलर बैठे हुए हैं और ये सारी जो हैं वो आपको होलसेल पे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और इनके रेट भी होलसेल वाले होते हैं। ये दुकानों और जो हैं वो दूसरे रिटेल पे काम करने वाले जो हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। ये सारी इसमें आपको जो है वो वायर्स के कॉयल जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो घरों के लिए इस्तेमाल होते हैं कंस्ट्रक्शन में, ये सारी उस चीज़ की मार्केट है। इस सारी की सारी मार्केट में जो है आपको वो सारा LEDs की बहुत सी वैरायटीज़ आपको नज़र आएंगी, लाइट्स की और जो है वो छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की। अच्छा जी, पहली लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो ख़त्म होने के बाद जो है ये फिर राइट साइड जो है शालम मार्केट की मेन PM और राइट साइड पे ये सारी की सारी मिक्स शॉप आती हैं इसमें। और यहाँ पे क्रॉकरी वाले बैठे हुए हैं, कुछ प्लास्टिक के जो हैं बर्तन वो हैं और मिक्स शॉप है। उसके बाद ये दूसरी लाइन जो है यहाँ से हम शुरू करते हैं। दूसरी लाइन भी ये सारी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी मार्केट है। इलेक्ट्रिशियंस का सारा सामान यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये बड़े बड़े रोल्स हैं इसमें वायर्स के, LED लाइट की भरमार है। ऑथराइज ट्रेडर जो हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारे के सारे ऑथराइज ट्रेडर हैं। ये देखें, ये सारी की सारी जो है वो वायर्स, वो सारी इसकी मार्केट है। सो ये भी एक लाइन है शालम की, ये राइट साइड पर आती है शालम मेन बाज़ार में। और यहाँ पर ये देखें सारा रश, और इसके अंदर फिर जो है वो मज़ीद मार्केटें हैं। नीचे देखें, ये नीचे गोदाम बने हुए हैं बड़े बड़े और ये सारी वायर्स की। फिर इसके अंदर ये सारी मार्केट आ जाती है, लेफ्ट राइट पे सारी ये जो है वो LED बल्ब और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। और इसका नाम है जी जमाल मार्केट। और ये नीचे ये बेसमेंट में भी, और ये लेफ्ट राइट सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की। यहाँ पर आपको मशीनों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक यानी वॉशिंग मशीन या दूसरी चीज़ों के पार्ट्स भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से बाहर निकलें, ये देखें ये सारी एंड तक सारा बाजार, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। ये LED लाइट्स जो स्पेशल जो जैसे रोप लाइट्स होती है और ईद मिलादुलनबी पे जो लाइट्स लगती हैं, देखें ये सारी होल सेल की उस चीज़ की मार्केट है। ये सारी फैंसी लाइट्स और डेकोरेटेड लाइट्स सारी उसकी मार्केट। ये देखें ये लेफ्ट राइट। अच्छा जी, इस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से बाहर निकले दूसरी लाइन से, तो इसके ऑपोजिट साइड पे जो है वो सामने, इसको बोलते हैं पापड़ मंडी की लाइन। और इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ से जो है पापड़ मंडी, ये इसकी ये लाइन शुरू हो जाती है। पापड़ मंडी में आपको ज़्यादातर जो है वो सामान आपको पैकेजिंग का सामान मिलता है यहाँ पर आपको ये सारा, और परफ्यूमरी की दुकानें हैं यहाँ पर, और उसके अलावा कॉस्मेटिक्स जो लोग बनाते हैं
उनको यहाँ पे सारा कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग के केमिकल आपको सारे के सारे यहाँ पे मिलेंगे। नाम से लगता है पापड़ मंडी, लेकिन जो है वो पापड़ों वाला कोई ऐसा नहीं है इसमें सीन। इसमें ज़्यादातर जो है वो आपको पैकेजिंग, ये देखिए जी सारी की सारी पैकेजिंग की दुकानें हैं यहाँ पे, आपको कॉस्मेटिक्स पैक करने की हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे, बॉटल्स सारी पैकेजिंग की मिलेंगी और रैप तक यहाँ पे आपको मिलेंगे, और जितने भी पैकेजिंग का सामान है वो सारे का सारा इस मार्केट में मिलेगा। ये देखें ये राइट पे, ये सारे वो देखें बॉटल्स में वो केमिकल्स पड़ेंगे। ये पापड़ मंडी की ये सारी शॉप्स हैं, और लेफ्ट राइट की सारी की सारी पैकेजिंग और प्लस परफ्यूमरी, और यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक्स ये देखिए बनी बनाई कॉस्मेटिक्स भी यहाँ पे, फेशियल्स और सारी ये चीज़ें ये खुली पड़ी हुई आप यहाँ से लेते हैं, पैक करते हैं, सेल करते हैं। सो ये सारा पापड़ मंडी जो है वो ये कहलाती है। ये पैकेजिंग की बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे हर किस्म की पैकिंग आपको मिलेगी, हर किस्म की पैकेजिंग मिलेगी आपको। परफ्यूम्स की शॉप है यहाँ पे, जो है वो आपको कॉस्मेटिक्स में डालने के लिए भी मिलती हैं और परफ्यूम बनाने के लिए भी खुशबुएँ मिल जाती हैं आपको। ये सारी की सारी इसमें मिक्स शॉप है परफ्यूम की। या फिर सारी पैकेजिंग की देखिए, कॉस्मेटिक्स पैकेजिंग, बॉटल्स और फेशियल जार, ईज एंड एवरीथिंग, सारी की सारी यहाँ पे आइटम्स इन पापड़ मंडी में आपको ये मिलती हैं। ये देखें पैकेजिंग मशीनें हैं, फिलिंग मशीनें हैं, और उसके अलावा लेफ्ट राइट आपको और बहुत कुछ नज़र आएगा पापड़ मंडी में। ये सारी की सारी पापड़ मंडी, फेशियल जार ये देखें बनी बनाई फेशियल आपको यहाँ पे मिलेंगे। श्रिंक रैप की दुकानें हैं, जो श्रिंक रैप जो है वो पैकेजिंग के ऊपर होता है, श्रिंक की चीज़ें जो हीट गन से बंद होता है, ये श्रिंक की सारी ये दुकानें भी यहाँ पे मौजूद हैं। बने बनाए लेबल यहाँ पे आपको मिलेंगे, आप बने बनाए लेबल्स खुद लगा दें और यहीं से चीज़ें लें, पैक करें, बेचें, आपको खुद का ब्रांड नाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बने बनाए लेबल की शॉप्स हैं। अच्छा, जिसके बाद ये पापड़ मंडी ख़त्म हो जाती है और वहाँ से हम निकलते हैं और फिर हम अपनी राइट साइड ही कवर करेंगे। अच्छा जी, शालम मार्केट फिर राइट साइड जो है वो मेन पे हम साथ साथ बाहर वाली साइड पे हम चलते हैं, और ये राइट साइड पे सारी की सारी डेकोरेशन जो हैं वो ये पीस की शॉप हैं और मिक्स शॉप हैं यहाँ पे सारी की सारी। आपको कुछ परफ्यूम की नज़र आएंगी जो है वो होलसेलर, और कुछ आपको ये देखें जाने माल्स वगैरह, और ये सारी के सारी होलसेलर बैठे हुए इसमें जो है वो, जो इस बरामदे में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं वो सारे रिटेलर हैं, वो सिंगल सिंगल पीस बेचने वाले हैं। होलसेलर जो है वो आपको उनके रेट से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये होलसेलर है, और वैसे भी होलसेलर ज़्यादा बल्क में चीज़ें देती हैं। सो ये सारी मेन ये देखें, ये रेडी पर एलईडी लाइट्स, ये लोकल जो हैं वो जो है वो सेल होती हैं सिंगल सिंगल पीस में। फिर राइट पर ये सारी की सारी ये देखिए लगेजेस बैग हैं, इसमें लगेजेस की सारी होलसेल की ये जो है वो शॉप है, और ये सारा होलसेल पे देती हूँ। ये सारी की सारी जो है वो मिक्स मार्केट है। अच्छा जी, राइट साइड पे ही शालम मार्केट मेन पे राइट साइड पे ये दूसरा बाज़ार आता है, बड़ा बाज़ार, ये बड़ा मशहूर है। और बड़े बाज़ार की जो है वो खासियत, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। ये देखें ग्रोसरी से रिलेटेड खाने पीने की, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स, पैम्पर, हर चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो ये सारे का सारा जो है वो बड़ा बाज़ार है। इसमें जो सामने स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं ये तो सिंगल सिंगल पीस बेचने वाले हैं इसके अंदर, बाकी होलसेलर आपको लेफ्ट राइट अंदर जो है वो होलसेलर बैठे हुए हैं। इसमें जो है वो टॉयज और आपको ज्वेलरी, क्रॉकरी और सारे मिक्स होलसेलर आपको नज़र आएंगे बड़ा बाज़ार। ये सारा टॉयज के होलसेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं,
ये सारे के सारे ट्वाइस के हॉल चलर हैं। अच्छा जी, इसी बड़े बाज़ार में एक छोटी गली अंदर जाती है और यहाँ पे आप ये सारी की सारी जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मार्केट है और मिक्स मार्केट है। इसमें आपको ये देखें, ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के सारे होलसेलर बैठे हुए हैं, ये ट्रेडर्स हैं। यहाँ पे क्लच, बैग, ये भी चीज़ें आपको मिलेंगी। कॉस्मेटिक्स की भी मिक्स शॉप हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो हैं वो आपको ज्वेलरी की शॉप नज़र आएंगी। सारे के सारे बड़े ट्रेडर्स हैं, मैनुफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं। ये देखें ये सारी ज्वेलरी, इसमें इम्पोर्टेड भी, लोकल भी, चाइना, सारी की सारी आपको मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम जो है ज्वेलर बाज़ार से वापस बाहर निकल रहे हैं, तो ये सामने जो है वो बाड़ा बाज़ार के ये एक गली बिल्कुल सामने, बाड़ा बाज़ार अंदर एक और छोटी गली इंटर होती है और हम वहाँ पे जा रहे हैं और उसमें भी आपको मिक्स सारे होलसेलर नज़र आएंगे। ये होलसेलर हैं छोटे छोटे जनरल स्टोर्स के लिए, जो सामान यहाँ से आपको मिलेगा, साशे शैम्पूज और बाकी बहुत सी चीज़ें जो है उनसे रिलेटेड। ये देखें, ये सारी की सारी आपको मिलेंगे, सारे होलसेलर ट्रेडर ये भी बैठे हुए हैं और इसमें भी आपको इम्पोर्टर भी नज़र आते हैं और सारी मिक्स शॉप हैं यहाँ पे। अच्छा, इसी बाज़ार में जो है वो परफ्यूमरी के, बॉडी स्प्रे के जिन बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ट्रेडर हैं, बड़े बड़े इम्पोर्टर हैं और यहाँ से आपको ब्रांड की चीज़ें मिलती हैं और ये सारे के सारे इम्पोर्टर हैं बॉडी स्प्रे और परफ्यूम्स के। बाड़ा बाज़ार सीधा आगे जाके अंदर एक जो है वो गली आती है। अच्छा जी, उसके बाद बाड़ा बाज़ार जो है वो मेन पर बाहर निकल आते हैं और बाड़ा बाज़ार की इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो यहाँ से मार्केट शुरू हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे आपको ओवन और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जूसर, ब्लेंडर्स और बहुत सी आपको चीज़ें लेफ्ट राइट नज़र आएंगी। ये सारी की सारी बड़ा बाज़ार की इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल की मार्केट है और ये देखें, सारी की सारी लेफ्ट एंड राइट। अच्छा जी, यहीं पे क्रॉकरी मार्केट बाड़ा में ही जो है वो शुरू हो जाती है और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेड, इटालियन, लोकल हर किस्म की क्रॉकरी आपको जो है वो मिलती है
और ये सारी की सारी होल सेलर क्रॉकरी वाले बैठे हुए हैं और दुनिया की ऐसी ऐसी ज़ात की यहाँ पे क्रॉकरी आपको देखने में नज़र आएगी कि आप जो है वो सच पूछे, बंदा कहता है कि यार मेरे पास पैसे होना तो मैं ये सारी चीज़ें ख़रीदूँ। ये सारे सारे क्रॉकरी के होल सेलर हैं और यहाँ पर आप देखिएगा और बड़ी बड़ी रॉयल स्टाइल की जो है वो क्रॉकरी भी आपको नज़र आएगी। अच्छा जी, क्रॉकरी बाज़ार से फिर निकलें तो ये भी ये बड़ा बाज़ार ही हम दोबारा जो है वो उसकी बड़ा बाज़ार में हम फिर रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है बड़ा बाज़ार की, और ये सारा फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और मिक्स शॉप आपको नज़र आएंगी बड़ा बाज़ार में। अच्छा जी, जैसे ही बाड़ा बाज़ार जो है वो ख़त्म होगा लेफ़्ट साइड से उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली लाइन, तो राइट पे ये जो है आपको ये बाज़ार नज़र आ रहा होगा। और ये देखिएगा यहाँ पर टॉयज़, जो लोकल टॉयज़ और कुछ चाइना के जो हैं वो थोड़े सस्ते वाले जो हैं इकोनॉमिकली जो हैं वो अफोर्डेबल जो हैं टॉयज़ वो आपको नज़र आएंगे। देखें तोड़ों में गेंदे पड़ी हुई हैं और ये सारे का सारा बाज़ार जो है वो लोकल टॉयज का बाजार है। यहाँ पे देखें 14 अगस्त का सामान सारे का सारा, जो भी सीजनल चीज़ें आती हैं सारा आपको यहाँ से मिलेगा। ये टॉयज तोड़ों में, कार्टनों में और जो है वो भरमार लगी हुई है यहाँ पर सारी। ये सारा बाज़ार जो है वो लोकल टॉयज का है, जो छोटे छोटे जनरल स्टोर्स पे सेल होते हैं, स्टॉल रेडियों पे, ठेलों पे, और ये सारे आपको वो नजर आएंगे। 14 अगस्त का भी सामान यहाँ पे देखें भरमार है यहाँ पे। सारे का सारा बाजार जो है वो लोकल टॉयज का गढ़ है, यहाँ पे आपको सारे लोकल टॉयज नजर आएंगे। ये देखिए ये सारी मार्केट है वो भरी पड़ी है हॉल के जरिए, कार्टनों में भरमार है। यहाँ पर जो है वो बच्चों का असला भी मुझे नजर आ रहा है। ये देखिए पटाखों वाली गन है और बहुत बहुत सी वैरायटी यहाँ पे आपको। ये जू टॉयज जो बच्चे बहुत लाइक करते हैं उनका सेट है। ये सारी की सारी जो है वो टॉय मार्केट है, होल सेल टॉय मार्केट है, होल सेल में सारे प्रोवाइड करते हैं। देखें कैसे माल पड़ा हुआ है बेशुमार। अच्छा जी, जदीद असला भी यहाँ पे जो है वो दूसरा भी मौजूद है, बच्चों का प्लास्टिक गन है, बच्चों की टॉय गन और बड़े साइज में टॉय गन्स की भी है। देखें कार्टनों में भरमार लगी हुई है जनाब और भरा पड़ा है। ये सारे के सारे होलसेलर बैठे हुए हैं चीज़ों के शालो मार्केट में। देखें कुछ चाइना की इम्पोर्ट है, कुछ लोकल हैं। ये सारी बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं जो अक्सर बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। ये सारा ये देखें लोकल टॉयज मार्केट है शालम मार्केट की।
बॉल्स देखें ये तोड़ों में पड़ी हुई हैं, पूरे के पूरे पहाड़ी बने हुए इनके। ये 14 अगस्त का फैंसी सवार बच्चियों के सरों पर लगने वाली डॉल्स बनी हुई हैं, बैजेस हैं और काफ़ी वैरायटी है सारी 14 अगस्त के हवाले से भी। ये सारे का सारा दशाला मार्केट। उसके बाद इसी लाइन से हम दोबारा निकलेंगे बाड़ा बाज़ार से, तो ये फिर हम मेन पे आ गए हैं और अच्छा खासा रश है शालम मार्केट में होता है अमूमन, और यही इसकी रौनक है। और इसके बाद फिर हम राइट साइड से शुरुआत करते हैं मेन की ही शालम मार्केट की, और ये फिर राइट ही हम अभी फ़िलहाल जा रहे हैं, और ये सारा फिर मिक्स बाज़ार जो है वो फिर शालम का मिक्स होल सेलर सारे के सारे ये बैठे हैं, और सारे फिर ये मिक्स होल सेलर शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम शुरू कर लेते हैं शालम मार्केट की जो मेन मार्केट है उसकी लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा जो है वो वहाँ से आप देखेंगे कि ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की ही जो है वो कुछ शॉप्स हैं, यहाँ पे पंखे वगैरह आपको सारी ये चीज़ें नज़र आएंगी। उसके बाद ये सारे डेकोरेशन जो हैं वो सारी उससे रिलेटेड भी शॉप्स हैं, मिक्स हैं सारी, आर्टिफिशियल ग्रास और बाकी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लगेजेस बैग इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारी की सारी। ये देखें ये सारे का सारा लेफ़्ट साइड शालम मेन मार्केट पे सारी, इसमें डेकोरेशन की बहुत अच्छी मार्केट है, ये सारे के सारे होल सेलर बैठे हुए हैं। ये देखें ये सारे के सारा इसमें सीनरीज और बाकी नीचे बेसमेंट में देखें और ऊपर भी सारी ये मिक्स मार्केट है।
आर्टिफिशियल प्लांट्स और आर्टिफिशियल डेकोरेशन मार्केट ये देखें, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको ग्लास के पीस नज़र आ रहे हैं, वुड के बने हुए हैं, डिज़ाइनिंग जो है वो बड़ी बड़ी खूबसूरत की हुई है, सारे के सारे होलसेल ट्रेडर हैं। आर्टिफिशियल प्लांट्स, आर्टिफिशियल यहाँ पे फ्लावर्स और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ये आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। अच्छा जी, शालम मार्केट मेन बाज़ार की जो लेफ़्ट साइड आप चल रहे होंगे तो ये आपकी जो है वो पार्किंग पहले आ जाती है। यहाँ पे बैंक्स भी मौजूद हैं, सारे बैंक हैं यहाँ पे, और इस पार्किंग को जैसे ही आप ख़त्म करेंगे और इस पार्किंग से हम निकलते हैं तो इस पार्किंग के बाद जो है वो गारमेंट्स लाइन शुरू हो जाती है। ये सारी जो है वो इसमें एक दो शॉप्स हैं मिक्स हैं और बाकी सारी ये रेडीमेड जो है वो बच्चों की गारमेंट्स की सारी मार्केट शुरू हो जाती है। ये सारी की सारी बच्चों की गारमेंट्स की मार्केट है, ये सारे होलसेलर हैं और यहाँ पे इंपोर्टेड लोकल चाइना सारी की सारी यहाँ पे आपको गारमेंट्स नज़र आएगी और बड़ी उम्दा क्वालिटी की और बड़ी बेहतरीन क्वालिटी की यहाँ पर आपको फैंसी से लेकर जो है वो कैजुअल और सारी की सारी आपको गारमेंट्स नज़र आएगी बच्चों की। सारा ही उसकी मार्केट है, लेफ्ट साइड पे आती है मेन पे। अच्छा जी, ये थोड़ी सी गारमेंट्स बाज़ार के बाद फिर एक लेफ़्ट पे गली अंदर मुड़ती है और यहाँ पे शू मार्केट है और जूतियों की और शूज़ की सारी होलसेल की यहाँ पे ये मार्केट है। सारे होलसेलर और ट्रेडर मैन्युफैक्चरर सारे के सारे बैठे हुए हैं। ये देखें, सारी बचगाना कुछ आइटम्स हैं यहाँ पे होलसेल की आपको नज़र आएंगी होलसेल में, और आगे सारे का सारा ये बाज़ार है शूज़ का। ये देखें, कलरफुल बच्चों की सारी वैरायटी और यहाँ पे बड़ों की भी अडल्ट की है। ये सारा ये देखें, सारे का सारा बाज़ार है होलसेल का। मुहर्रम की वजह से कुछ जो है वो बाज़ार में इतना भी रश नहीं होता, और ये लेकिन सारा जूतियों का होलसेल का बाज़ार है। अच्छा जी, जूतियों के बाज़ार से आप फिर वापस अगर आ जाएं मेन पे ही लेफ़्ट साइड पे, तो फिर ये सारी बचगाना रेडीमेड गारमेंट्स की सारी शॉप्स हैं और सारी इंपोर्टेड चाइना लोकल इसमें मिक्स गारमेंट्स आपको नज़र आती है। बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं यहाँ पर, बड़े बड़े होलसेलर हैं।
जैसे ही मार्केट गारमेंट की ख़त्म होगी तो प्लास्टिक की ये चेयर्स और बच्चों की प्लास्टिक चेयर्स, टेबल और ऐसी चीज़ों की ये सारी मार्केट लेफ्ट साइड पे सारा बाजार ये शुरू हो जाता है। बच्चों की बेबी साइकिल, वॉकर, क्रेडल, सारी देखें हैंगिंग जो है वो झूले वगैरह, ये सारी ये उसकी मार्केट है। ये सारी जो है वो शालम मार्केट मेन लेफ्ट साइड डी प्लाजा के बाद ये सारी मार्केट शुरू होती है। यहाँ पे आपको बेशुमार चीज़ें नज़र आएंगी बच्चों से रिलेटेड। अच्छा जी, उसके बाद शालम मार्केट जो है वो तकरीबन थोड़ी सी अभी ख़त्म तो नहीं होती, ये गारमेंट्स लाइन के बाद जो है वो आप आगे चलें तो ये सारा आगे बाजार फिर चौक आ जाता है और इसको ये रंग महल स्कूल है राइट साइड पे, और सामने फिर जो है वो सीधा हम चलते हैं और उसमें कुछ जो है वो शॉप्स दुकानें शुरू हो जाती हैं, मिक्स हैं उसमें स्टील के बर्तनों की, और ये सारे के सारे ये सारे ज्वेलर्स बैठे हुए हैं और ये सारी लेफ्ट राइट पे मिक्स ही दुकानें हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सराफा बाजार है। अच्छा जी, शालम सराफा बाज़ार ख़त्म होगा तो इसके सामने एक छोटी सी गली अंदर जा रही है और ये छोटी सी गली जो है वह सारी आज़म मार्केट जो है यहाँ से शुरू हो जाती है। देखें लेफ्ट राइट सारा कपड़े का सारा बाज़ार है, होल सेलर, यहाँ पे बड़ों के बच्चों के सारे मिक्स कपड़े मिलते हैं, तो ये आज़म मार्केट है। यहाँ पे होल सेल के लिए जो है वो आप कपड़ा ख़रीदते हैं, स्टिच अनस्टिच सारी की सारी वैरायटी आपको यहाँ से मिलती है। ये रंग महल का भी हिस्सा है और फिर आगे सारी आज़म मार्केट की तरफ निकलती है, जिसे आज़म क्लॉथ मार्केट कहते हैं। ये देखें आपको कलरफुल बहुत से डिज़ाइन रेडीमेड जो है वो भी मिलेंगे, अनस्टिच भी मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी होल सेल पर।
अच्छा जी, आज़म मार्केट से वापस आके ये रंगमहल स्कूल है और उसके साथ ही अंदर ये गली अंदर जाती है, ये सारी की सारी बीट्स की मार्केट है, जो कपड़ों पे लगने वाले नग होते हैं, मोती होते हैं, सारी की सारी उसकी मार्केट है। ये देखें पैकेट्स में, बोरियों में सारा सामान नजर आएगा। ये सारी इसमें हौजरी और मिक्स जो है वो बीट्स का बाजार है, जो काम वाले फैंसी कपड़े होते हैं ब्राइडल्स के और शेरवानियों पे चीज़ें जो लगती हैं, सारी के सारे बीट्स नग वगैरह ये सारी उसकी मार्केट है। ये देखें, ये लेफ्ट राइट आपको यहाँ पे बहुत सी वैरायटी आपको नज़र आएगी। ये सब बीट्स के होलसेलर बैठे हुए हैं। इसमें हौजरी का भी सामान आपको नज़र आएगा, बुनियाद, अंडर गारमेंट्स और बहुत सी चीज़ें, लेकिन ये मिक्स है मार्केट सारी। ये देखें, ये तोड़ों में माल पड़ा हुआ है, ये सारा जो है वो फैंसी गारमेंट्स पे लगता है, कपड़ों पे सारा के सारा। ये देखें, ये सारे होलसेलर, ये बीट्स की सारी मार्केट है। अच्छा जी, शालम जो है वो रंगमहल स्कूल के साथ बीट्स मार्केट जो है वो यहाँ पर हमारा ये शालम बाज़ार का जो है वो विज़िट तकरीबन ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। इस ब्रांड पी के कॉल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो को शेयर।